अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद कुरैशी और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म NQ51। 2024 की सर्दियों की आमद आमद है और जनाब मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने किचन के अंदर और किचन में मचा रहा हूं हल्ला। यहां मैं एक स्पेशल फार्मूला तैयार करने के लिए जा रहा हूं जो सर्दियों के अंदर जितनी भी छिलके वाली मछली है और खासतौर पर गुलफाम के लिए बहुत ज़्यादा कारामद है। सबसे पहले तो मैंने जनाब ये एक गिलास पानी जो है, एक गिलास पानी नलके का नॉर्मल ये इसमें लिया है और इसको बॉयल करूँगा। अच्छी तरह बॉईल करने के बाद इसमें कुछ चीज़ें मिलाऊंगा, वो आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। स्टेप करके मत देखिएगा और यार एक लाइक एक कमेंट्स तो कर दो यार, इतना तो मेरा हक बनता है, बाकी मिलता मुझे कुछ भी नहीं है आप लोगों की दुआओं के अलावा। उसके बाद जनाब इसमें जो दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है काला गुड़। जो काला गुड़ हाथ से पिस जाता है वो वाला गुड़, ये देख रहे हैं ये बिल्कुल फिस जाता है ये वाला गुड़। अब ये हम इसमें डालेंगे एक दो, ये तकरीबन मैं आधा किलो लाया था, इसमें से पाव के करीब गुड़ जो है मैं इसमें डाल दूंगा। ये मत कहिएगा शुगर नहीं रही आपको। हाँ काले गुड़ के बाद ये अंगूर हैं आजकल सीजनल, मैंने धो के रख साफ कर लिए हैं, सफाई बहुत जरूरी है। अब वो हम इसमें कुछ मिक्स करेंगे। अंगूर के ऊपर गुलफाम बहुत तेज से लगता है, बता दो आपको, मतलब अंगूर की स्मेल के ऊपर। ये एक्सपेरिमेंट आप करके भी देखिएगा। मैं जो फार्मूले आपके साथ शेयर करता हूँ, आप लोग जब उस पर गेम करते हैं और आपको अल्लाह पाक उस पर रिजल्ट देता है या आपका कोई भी उसके साथ एक्सपीरियंस होता है तो मेरे साथ शेयर जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन में कर लिया करें, व्हाट्सएप पे कर लिया करें। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो कमी कुटाई होती है वो दूर हो जाती है और मुझे पता लगता है कि कौन से पानी में इसका कौन सा रिजल्ट आ रहा है। अभी जब तक उबल रहा है तब तक जाके एक लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया उन तमाम बिगनर से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको अब अच्छा जी ये चमचा, इस चमचे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन चमचे से पहले याद आया ये है जी, पहले हमने डाला इसमें है ये 1.5 पाव के करीब गुड़, उसके बाद हमने इसमें डाले तकरीबन 1 पाव अंगूर, अब हम इसमें कुछ डाल रहे हैं अंजीर तोड़ के। ये देखें ये अंजीर इस वक्त बहुत महंगी हुई हुई है सर्दियों में, लेकिन मजबूरी यह है कि जो मछली जो है वो सारे साल वही खाने खाती है जो इंसान खाता है, ठीक है। अब अंजीर को हम डाल देते हैं इसके अंदर तोड़ के इसलिए कि हमने बाद में सबको ग्राइंड भी करना है, इस सारे मैलूर को इस सारे मवाद को हमने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद हमें इसका इससे जो गेम होगी ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी गेम होगी। वो गेम भी आपके साथ शेयर करता जाऊंगा वक्तन वक्तन। ये तकरीबन 8 रोल थे अंजीर के, वो मैंने 8 रोल इसे मिला दिए हैं। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे केला, गुलफाम की फेवरेट डिश बनाना, हम इसमें कुछ तोड़ के इसको हल्का हल्का हम इसको बनाना भी डाल मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, बल्कि आप लोगों के लिए और ही बड़ा कुछ है मेरे पास इंशाल्लाह, इस साल बड़ा अच्छा होगा। अच्छा ये हींग है, हींग मार्केट में 2 किस्म की अवेलेबल है। ये 1 तोला हींग है जो मुझे इसी वक्त अभी लाया हूँ और ये मुझे मिली है 210 रुपए की, 210 रुपए की तोला हींग मिली है रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर से। वैसे मेरे जो इंडियन भाई हैं, जो बंगाली भाई हैं, वो देख रहे होंगे, मुझे पता है कि इंडिया में हींग बहुत सस्ती है, इंडिया में तो ज़ाफ़रान भी बहुत सस्ता है, इंडिया में तो संदूर भी बहुत सस्ता है, जो पाकिस्तान में यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है। खैर अपने अपने इलाके में अपनी अपनी चीज़ की कीमत होती है, लेकिन ये है कि चीज़ें वही हैं, इंग्रीडियंट्स वही हैं, तरीका वही है, मछली वही है, डिपेंड करता है कि हम मछली को क्या कुछ खाने को देते हैं। इसमें सबसे पहले हमने डाला 1.5 पाव 1 गिलास पानी, ये वाला हमने सबसे पहले डाला 1 गिलास पानी। उसके बाद हमने डाला इसमें 1.5 पाव के करीब काला गुड़ जो हाथ से टूट जाता है, उसके बाद 1 पाव अंगूर, 8 रोल उसके आपके 8 रोल अंजीर के और 1 तोला हमने इसमें डाली है हींग।
अब आप करते हैं आहिस्ता ताकि इसमें बाकी चीजें मिलाएंगे तो गपशप करते जाएंगे। अच्छा ये जो है ना, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये है जी ग्राइंड की हुई पिसी हुई सौंफ। सौंफ नहीं होती जो पान में खाते हैं, पान में डालते हैं, वो ग्राइंड की हुई है। और ये हम इसे मिलाएंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। सौंफ के ऊपर तो आपको पता है कि नारायण, जिसे मिर्गिल भी कहते हैं पंजाब के पानियों में, वो आशिक है। ये जो मैं लिक्विड बनाने जा रहा हूं, ये तमाम किस्म की मछलियों के लिए तरियाक का काम करता है सर्दियों के अंदर। अच्छा, और ये जो एक मिनट जी, हुए बड़ा महंगा है, गिर गया। ये ऐसे करके दिखाते हैं, ये देख रहे हैं आप, ये हैं बादियान के फूल ग्राइंड किए हुए, बादियान के फूल। ये इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच। और ये मिले हैं मुझे 280 रुपए के पाव के हिसाब से, आधा पाव लिए मैंने, ठीक है। सौंफ मुझे 140 रुपए पाव के हिसाब से मिली है, मैंने 1 पाव ही लेकर ग्राइंड कर ली है। और जो सबसे महंगी आइटम है, वो ये है जनाब 440 रुपए की पाव, ये मैंने आधा पाव लिया है। और ये है सब्बज इलायची, ये भी मैंने लेकर ग्राइंड करवा ली है, क्योंकि मैंने और भी फार्मूले आपके साथ शेयर करने हैं जिसमें तमाम चीजों की बड़ी जरूरत होगी। तो ये मैंने 1 चम्मच इलायची का, और ये 1.5 चम्मच मिला दी इलायची, और उसके बाद करूंगा मैं इन चीजों को बंद अच्छी तरह से। किधर जा रहे हो, रुको, अभी से चले जाओगे तो कैसे पता लगेगा इसको बंद कब करना है, कब बॉयल होगा, कब कितना पकाना है, कितना नहीं पकाना है। एक तो ईमान से भागने की बड़ी जल्दी होती है, सबर करो। अब आंच करेंगे तेल, और इसको हम देंगे पूरे 2-3 बॉयल बार बॉयल करेंगे। अच्छा, पानी का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। पानी का इंपॉर्टेंट रोल ये है कि काला फूल जो है वो ठीक हो जाता है, चाशनी बन जाती है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो ये लेस बन जाएगा, गचक बन जाएगी। गचक समझते हैं ना, गचक कभी खाए बचपन में, ये गचक बन जाएगी। अगर आप चाहते हो ना कि गचक ना बने तो फिर हमें इसमें प्रॉपर पानी डालना पड़ेगा। क्या तैयार हुआ, लग रहा है, ये देखिए खुशबू भी बड़ी बेहतरीन उठ रही है। अब इसको 3-4 बॉयल देके हम उतार लेंगे, और उतारने के बाद हम इसको किसी ग्राइंडर में ग्राइंड करके ठंडा करके बोतल में सेव करेंगे, जिसके लिए मैंने ये बोतल निकाल ली है। अब इस बोतल में सेव करने का भी एक फार्मूला है कि जब बोतल में डालूंगा तो मैं इसको तकरीबन आधे से नीचा ये यहाँ तक डालूंगा, और ये हिस्से जो है ये खाली होगा। बेशक मुझे इसे 2 बोतलों में स्टोर करना पड़े, उसका रीज़न ये है कि ये गैस मारता है, बॉयल होता है, ऊपर की तरफ आता है, तो इसलिए हम इसको कम करेंगे और इसको 15-20 दिन ऊपर रखेंगे खुले आसमान के नीचे, ताकि इसको धूप लगे, फिट हो जाए। जो 15-20 दिन के बाद इंशाल्लाह दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों के लिए जो शिकार मैंने खेलना है उसका लिक्विड तैयार हो जाएगा, और उसमें इसका बेहतरीन रिजल्ट होगा। इन उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जब आपको इस फार्मूला अगर आप बनाए और उसको रिजल्ट मिले तो शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही नवीन कृषि को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।